कोरोना वायरस को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन से दुनिया भर में लोग घरों में बंद हैं। लाखों करोड़ों कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लोग परिवार और दोस्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। इन सबके कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम की डिमांड रातों रात बढ़ गई है। दुनिया भर में लोग जूम ऐप का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जूम पर प्राइवेसी को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐप की प्राइवेसी और सिक्योरिटी में कई खामियां देखी गई हैं। इससे पहले कई ऐसे रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें जूम की सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं अब ब्लीपिंग कंप्यूटर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा जूम अकाउंट्स को हैक कर डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फर्म साइबिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हैकर फोरम पर 1 अप्रैल को कई जूम अकाउंट डिटेल्स को बेचने के लिए अपलोड किया गया था। साइबिल के मुताबिक 5,30,000 यूजर्स की डिटेल $0.002 यानी करीब 15 पैसे प्रति यूजर के हिसाब से बेची जा रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि कई अकाउंट डिटेल्स को फ्री में भी शेयर किया जा रहा है। इन जूम अकाउंट्स में ईमेल एड्रेस, पासवर्ड्स, पर्सनल मीटिंग URL, होस्ट की समेत अन्य कई डिटेल्स शामिल हैं। बता दें कि हाल ही में जूम के CEO एरिक युआन ने एक लाइव स्ट्रीम कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें प्राइवेसी और सुरक्षा के मुद्दों को स्वीकार करते हुए सुनिश्चित किया गया था कि कंपनी उन्हें ठीक करने पर काम कर रही है। जूम के स्पोक्स पर्सन के मुताबिक ये कॉमन वेब सर्विस है जिसकी मदद से कंज्यूमर्स को टारगेट किया जा रहा है। कंपनी ने कहा है, हमें पहले ही कई इंटेलिजेंस फर्म हायर की है जिनकी मदद से इन पासवर्ड डंप्स और उन्हें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए टूल्स का पता लगाया जा सके। बता दें कि भारत में साइबर सिक्योरिटी की नोडल एजेंसी CIRTN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने जूम का इस्तेमाल करने वाले भारतीयों को अलर्ट किया है। इसके मुताबिक इस ऐप से यूजर पर साइबर अटैक हो सकता है और डेटा लीक भी हो सकता है। हाल ही में गूगल, नासा, SpaceX, एप्पल समेत कई बड़ी दिग्गज कंपनियों ने जूम को बैन किया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को जूम ऐप का इस्तेमाल नहीं करने का सख्त आदेश दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर जूम ऐप है क्या। जूम एक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और इसके जरिए यूजर एक बार में अधिकतम 100 लोगों के साथ बात कर सकते हैं। ऐप का यूजर इंटरफेस आसान है, जिस वजह से हर आदमी से यूज कर लेता है। ऐप में 1-to-1 मीटिंग और 40 मिनट की ग्रुप कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। यह iOS और गूगल प्ले स्टोर दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जूम ऐप भारत में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका है। गूगल प्ले स्टोर पर इस ऐप को वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन बार से भी ज्यादा डाउनलोड किया गया है। तो आखिर यूजर्स के लिए क्या सलाह है जो ऐप यूज कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लूप होल सामने आने के बाद सबसे पहली और बड़ी सलाह तो यही है कि जूम का यूज करने से बचें। अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन और अलाउड डिटेल्स पर पूरी तरह नजर रखें। अगर इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो अपना अकाउंट पासवर्ड बदल लें और बेहद जटिल पासवर्ड बनाएं। किसी भी अननोन लिंक को ओपन ना करें। इस तरह की गतिविधियों से सावधान रहें।